मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सलूजा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस के नेता अब नरेंद्र सलूजा पर हमलावार होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र सलूजा ने डर से भाजपा का दामन थामा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश प्रवक्ता ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। नरेंद्र सलूजा ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस का आया बयान, बोले डर के आगे घुटने टेके। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ऊर्जा का संचार किया जा रहा है, वहीं शुक्रवार को राजधानी भोपाल से कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस प्रवक्ता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को नरेंद्र सलूजा को बीजेपी का पट्टा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सलूजा को भाजपा की सदस्यता दिलाई। प्रिय मित्रों, सलूजा जी चिंतक, बहुत अच्छा सोच रखने वाले और उनके मौलिक विचार कई बार अद्भुत होते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से और बाकी कारण वो स्वयं बताएंगे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा अब हमारे सलूजा जी हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो परिश्रम पूर्वक पार्टी का काम करें और देश के निर्माण में अपना। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद नरेंद्र सलूजा ने कहा कि इंदौर खालसा कॉलेज में हुए घटनाक्रम के बाद 84 दंगों का सच जो सामने आया, उसके बाद मेरा मन व्यथित हुआ। मैं जिस धर्म में आस्था रखता हूँ, उस धर्म के मेरे लोगों की हत्या के आरोपियों के सच ने मेरी आंखें खोल दी। साथ ही कहा कि बीजेपी जो जिम्मेदारी लेगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था, लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है, लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जब हम मत्था टेके वहां पे और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं।
दो तीन दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया, जो हमारे पिता है गुरु तेग बहादुर जी जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वह दोषी है। ये बुजदिल कौम है, ये मरी हुई कौम है, कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया और आप लोगों ने सहन कैसे किया? मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन का दिन है 8 नवंबर से ना मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, ना बात करी है, ना मेरा फेसबुक उठा के देख लें, आप सब तो मीडिया के साथ ही मैं काम करता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं। 8 तारीख से मैंने ना कमलनाथ जी का ना कांग्रेस का ना कोई ट्वीट ना कोई फेसबुक ना कोई सूचना ना किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि उनके जन्मदिन पे सबसे पहले मैं तलवार भेंट करता था, हर वर्ष के फोटो है मेरे, इस बार जन्मदिन पे बधाई देने भी नहीं आया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर मैं सबसे पहले अपने धर्म का हूं समाज का हूं और मुझे आहत किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों ने जिस प्रकार से दिल्ली पंजाब के और वर्ल्ड के ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी का वीडियो आया कि किस प्रकार सिखों के 84 के दोषी उसका स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ऐसे पद को ऐसे व्यक्ति को ऐसी पार्टी को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूं। शिवराज जी की विनम्रता सहजता कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है अद्भुत क्षमता है उससे प्रभावित हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसको जी की उपस्थिति को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराई, उनके स्वागत को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, जिस प्रकार से उन्होंने खुलासा किया कि कैसे 84 के दंगे के दोषी के व्यक्ति का यहाँ सिख समाज सम्मान कर रहा है, कैसे उन्हें सिरोपा दिया जा रहा है, ये कैसी बुजदिल कौम है, मैं कभी इंदौर नहीं आऊंगा, इतने आहत हो गए। उसके बाद विश्व भर से पंजाब दिल्ली से तमाम सिख नेताओं के बयान और वीडियो सामने आए, किस प्रकार से उन्होंने कमलनाथ जी की भूमिका के बारे में बताया। अभी तक तो मैं समझता था कि उनके ऊपर 84 के दंगों का आरोप है, मैं समझता था हो सकता है ये राजनीतिक विद्वेष के कारण लगाया जाता हो, लेकिन जिस प्रकार से कई सिख नेताओं के बयान आए और जो उन्होंने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की भीड़ का नेतृत्व को लेकर कमलनाथ जी पर टिप्पणी करी, उनकी भूमिका के बारे में बताया, वो सारी बातें सुन के मैं बेहद आहत हो गया और मैंने निर्णय लिया कि ना मैं ऐसी पार्टी में रह सकता हूं, ना ऐसे नेता के साथ रह सकता हूं, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें माना जा रहा कि जिस तरीके घटनाक्रम हुआ उसके पीछे नरसिम्हा के साथ ही वजह कमलनाथ ने पार्टी से आपको हटाया था। देखिए, आप किसी के पास भी आज तक कोई पत्र हो मुझे हटाने का तो सार्वजनिक करना चाहिए। आज भी आप देखें, मेरे को पूरी सूचना मिलती कार्यक्रम की, आज भी कमलनाथ जी ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, आज भी मेरी पीसीसी में मेरा कमरा है, मेरी प्लेट लगी हुई, मेरी कुर्सी लगी है, रोज मुझे भारत छोड़ो की सूचना मिल रही, तमाम बड़े नेता मुझे आने की बात कर रहे हैं, सबके फोन आ चुके हैं मुझे, तो ऐसा कोई किसी के पास पत्र है? चंद्रप्रभा शेखर जो संगठन के जिनको अधिकार है मुझे हटाने का, कमलनाथ जी को अधिकार है, क्या उनका कोई ऐसा बयान या वीडियो है कि मुझे हटा दिया गया, मेरे पे दबाव डाला गया कि मैं कीर्तनकार के खिलाफ बयान दूं, सिख नेताओं के खिलाफ बयान दूं जो कमलनाथ जी के खिलाफ कर रहे हैं? 8 तारीख को घटना के बाद 9 तारीख से मेरे पर दबाव डालना शुरू किया गया, जब मैंने आना बंद कर दिया, दबाव में नहीं आया किसी भी सिख धर्म के अनुयायियों के खिलाफ या नेताओं जो कमलनाथ जी की भूमिका की बात करें उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करी, तो 13 तारीख को 5 दिन बाद उड़ा दी गई कि मौखिक तौर पर नरेंद्र सलूजा को काम करने से मना कर दिया गया। अरे मौखिक क्या होता है, नियुक्ति भी चिट्ठी से दिए तो हटाओ भी चिट्ठी से, और मैंने तो खुलेआम कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे पार्टी से हटाएं, मैं उस पत्र का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आज तक वो पत्र सामने नहीं आया। मैंने 8 तारीख से न कांग्रेस कार्यालय प्रवेश करा, न मैं कमलनाथ जी के दरवाजे गया, न मैंने किसी नेता से बात करी, हाँ नेताओं के फोन जरूर मुझे आते रहे। 8 तारीख से न मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया, न कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाने आया, तो फिर मैंने कहा, समझा जा सकता है कि मैं उस दिन से घर बैठा हूं और कमलनाथ जी के पास और कांग्रेस पार्टी में जाना भी पसंद नहीं कर रहा। वही नरेंद्र सलूजा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस नेता हमलावर हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा कि 2 महीने पहले ग्वालियर में नरेंद्र सलूजा पर क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की थी, इसी से डरकर उन्होंने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया, कोई नई बात नहीं है। बार बार बीजेपी राजनीति के अंदर इस तरह की कृत्य करती रहती है, क्योंकि बीजेपी की खुद की जो छवि है वो तो खराब होती जा रही है, साख बची नहीं है। 2 महीने पहले नरेंद्र सरूजा जी के खिलाफ एक FIR दर्ज करी थी जो क्राइम ब्रांच है ग्वालियर का, उसने बार बार क्राइम ब्रांच तलब कर रहा था, नरेंद्र सरूजा जी जा नहीं रहे थे।
शायद उनको डर लग रहा था, अब डर के आगे शायद उन्होंने घुटने टेक दिए होंगे और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने कोशिश करी थी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी विधायक को तोड़ने की, लेकिन हर विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, तो उन्होंने कहा है कि एक पदाधिकारी को ही साथ में लेके एक मैसेज दिया जाए, तो इस तरह के कोई मैसेज जनता के बीच में सफलता के लिए भाजपा के नहीं जाते हैं, बल्कि जितने इस तरह की कृत्य करती है बीजेपी उतनी ही नाकाम होती जाएगी। ये साफ प्रमाणित करता है कि भाजपा जो है वो अपनी हार को देख रही है और उसी की बौखलाहट में इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस चीज से आघात हुए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने वर्षों से कांग्रेस की सेवा की है और जिस तरीके का अगर उन्होंने आरोप लगाया है वो निर्दर है, और क्यों लगाया उन्होंने ये सोचनी विषय है और जांच का विषय है। ये क्या अचानक से उन्होंने ये तय किया है कि 84 के दंगों में जो है कमलनाथ जी का नाम आया था, मैं उनके साथ नहीं जुड़ूंगा, ये इसका जो है कहना है। वर्षों से उन्होंने कांग्रेस के लिए काम करा, कमलनाथ जी के साथ काम करा, और अचानक ऐसा क्या हुआ? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के दबाव में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, क्योंकि पूर्व में भी जो है कांग्रेस के जो विधायक थे उनको भी खरीदी भरोती की गई, और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो है डरा के धमका के उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है। किस तरह का दबाव जो आप बता रहे हैं भाजपा का दबाव हो सकता है, तो किस तरह तमाम तरीके का दबाव भारतीय जनता पार्टी डालती है, और कई तरीके के दबाव डालती है और विचारधारा को बदलने की कोशिश करती है। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता थे और उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया, ये बड़ा मुझे आघात हुआ इससे कि इस तरीके का निर्णय आखिर उन्होंने क्यों लिया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी सभी मोर्चा संगठन प्रभारी। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये उनका एक ऐसा अपना क्या कहना चाहिए, उनको जब तक कांग्रेस ने, इंदौर शहर कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, उन्हें बहुत मलाई खाई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो मीडिया के प्रभारी रहे और पूरे प्रदेश पर राज करते रहे, वो अपनी गलतियां नहीं बताते हुए कांग्रेस पे और सिख समाज के ऊपर कि मेरी आज आंख खुल गई है, इस कारण मैं अपना पद छोड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये उनकी अपनी पर्सनल मजबूरियाँ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ उन्होंने गद्दारी की है जिसकी जानकारी कांग्रेस को हो चुकी थी, इसलिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाजपा में गए हैं। कांग्रेस ने सिख समाज के साथ कभी अन्याय नहीं किया, कांग्रेस सर्व सबको साथ लेकर चलती रही है। नरेंद्र सलूजा जी द्वारा जो ये आज जो एक वो लिया गया है निर्णय, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका पर्सनल आहत उनको यूं हुई होगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है और वो कांग्रेस को मालूम पड़ गया, वो कांग्रेस उन्हें निष्कासित करती उसके पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नहीं हुए तो भाजपा के भी नहीं हो पाएंगे। इनका आरोप था कि कमलनाथ जो है सिख समाज ने आरोप लगाया था 84 दंगे को लेकर, इससे आहत होकर वो बोले मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है इनका ऐसे सोचे, आज अगर आज उनको इतने साल बाद याद आई कि मैं आज आहत हुआ, जबकि इसमें किसी भी कांग्रेसी नेता का कोई हाथ नहीं है, एक ये उस समय की स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही है, उस कारण कुछ भी दुर्घटना और घटना हुई उसमें किसी को दोष पत्य आरोप नहीं बताया जा सकता, लेकिन आदरणीय हमारे जो बड़े भाई हैं नरेंद्र सलूजा जी, जो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को उन्होंने बहुत कुछ दिया, उसके बाद आज उनका एक अपने समाज के प्रति प्रेम जागना, ये मेरे लिए एक सोचने की बात है कि आज एकाएक ऐसा क्या हो गया कि उनका समाज के प्रति प्रेम जाग गया, और आज के पहले वो समाज के लोगों को, इसका मतलब है कि जानबूझकर समाज के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। धर्मेंद्र गिंदर, शहर कांग्रेस प्रवक्ता। आपको बता दें कि पिछले दिनों पीसीसी के मीडिया विभाग में हुए बदलाव के बाद से ही वे पार्टी से नाखुश चल रहे थे, तब उन्होंने तल्ख तेवर में अपना इस्तीफा भी पार्टी नेता को भेज दिया था, लेकिन बाद में मान मनोबल की बात बेशान हो गए थे। फिलहाल नरेंद्र सलूजा के भाजपा में शामिल होने से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया है।